गाइज आपको पहले ब्लेंडर डाउनलोड कर लेना है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों, क्योंकि आपने आज बकेट लिस्ट की तरह वीडियो 2D वीडियो बनानी है तो आपको ब्लेंडर डाउनलोड करना पड़ेगा या आपको blender.org लिख लेना है। ये पूरे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि मैं विंडोज़ के लिए, मैंने विंडोज़ सेलेक्ट कर ली तो अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने इसको डाउनलोड पहले से किया हुआ है। चाहे आप डायरेक्ट कर लें चाहे डाउनलोड लिंक पे जाके कर लें। तो अभी हम अपना ब्लेंडर ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं जो ब्लेंडर है वो ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हमें क्यूब देखने के लिए मिलता है। स्क्रोल बार से हम जूम आउट कर सकते हैं, शिफ्ट और मिडल माउस कर्सर से हम ग्रैब कर सकते हैं या आप जी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस। तो ये है 3D एनिमेशन, मेरा मतलब 3D स्ट्रक्चर। यहाँ से हम अपने 3D एनिमेशन कर सकते हैं, चाहे वो स्कल्पटिंग हो, एनी थिंग। तो हमने यहाँ 1 प्रेस किया है नम पैड पर और ये फ्रंट व्यू में चला गया है। ठीक करेंगे तो बैक व्यू में चला जाएगा। एडिट मोड से हम इसको एडिट कर सकते हैं जैसे मर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूव बार है, इससे हम लेफ़्ट राइट एक्स वाई जेड में मूव कर सकते हैं, इससे हम रोटेट कर सकते हैं चाहे। और जो थर्ड वन है उससे हम इसके साइज इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो विड्थ हो, हाइट हो और थिकनेस हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये विंडोज़ 11 है, तो आप इसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर दो। 3D क्यूब बना सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। तो यहाँ से जितने मर्जी बना लो, इन्फिनिटी, इट्स इन्फिनिटी गाइस, इन्फिनिटी। तो जब तक ये हो रहा है तो हो रहा नहीं, बस कर ही रहे हैं हम। तो ऐसे लेआउट बना के देख लेते हैं। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट मोड में जाके हम इसे देख सकते हैं और आपको 3 दिख रहे होंगे ऊपर जो सर्कल है। तो अभी हम 2D एनिमेशन में चलते हैं बाय द वे, क्योंकि हम आज बकेट लिस्ट की तरह वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो 2D एनिमेशन में होगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल फ्री है। इन्हों मैंने पहले नहीं बताया था, अब बता देते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसकी फ्री टू पेड है। ये बहुत बढ़िया एनिमेशन करते हैं। हाँ, ये इसको 2 ईयर्स नहीं हुए आए, फिर भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं अदर के कंपैरिजन। ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं हम इसमें ऐसे भी 3D स्ट्रक्चर की तरह भी ड्राइंग कर सकते हैं एज यू लाइक। और 0 नम पैड से हम कैमरा व्यू में चले जाएंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, ये हमें दिख चुका है। और हम कंट्रोल जेड से इसको अनडू भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।